अपने में बेरिंग का और आप मुझे बताओगे ना वरना मैं नहीं बन जाता यार सर्विस सर्विस कैसी बात कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ आप वही चीज समझने की टायर नहीं कर सकते। सो कमिंग आउट महिंद्रा सर्विस मतलब हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू डे अ न्यू व्लॉग और आज हमारे व्लॉग की शुरुआत हुई है डैश कैम लगाते हुए चार के बाद वी थॉट दिस इज द बेस्ट एरिया टेक्निकली होना भी चाहिए एकदम बीच में ही लगता है डैश कैम और हमने पहले सोचा था यहाँ लगाते हैं क्योंकि ये फिर साइट में आएगा इसका शीशा बहुत छोटा है बट वहाँ से आधी गाड़ी मतलब लेफ्ट साइड ही कवर हो रहा था राइट साइड का कुछ कवर हो ही नहीं रहा था और हमने लगाया है नेक्स्ट डिजिट्रॉन का एक सेकेंड नेक्स्ट डिजिट्रॉन का A2 वाईफाई वाला नेटिव 2K रेजोल्यूशन के साथ डैश कैम जिसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा घटिया है मतलब ये जब आया था तो आते ही मैंने आधे घंटे के अंदर इसके रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी थी कि पैकेजिंग इतनी बुरी है कि मतलब आई थॉट पता नहीं क्या नकली सा मंगवा लिया मैंने बट फिर मैंने रिव्यूज़ देखे और जितनी बुरी इसकी पैकेजिंग है उतने ही अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं तो अभी यूज़ करते हैं देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है भाई गाड़ी में कुछ हो ना हो डैश कैम होना बहुत ज़रूरी है आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे अराउंड सिर्फ बलिनो के साथ नहीं बलिनो के बाद भी अभी 3-4 दिन पहले एक और इंसिडेंट हुआ था घर से बस मैं निकल रहा था अचानक से आगे से पता नहीं फिर से स्विफ्ट और सेम कलर की स्विफ्ट वो कौन सी थी ब्रोंज वाली थी ना जिसे बलिनो को मारा था शायद वो सेम स्विफ्ट थार के आगे आ गई मतलब लकीली कुछ हुआ नहीं टच वच भी नहीं हुई बट एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डैश कैम बहुत जरूरी उसी दिन मैंने डैश कैम ऑर्डर किया और द सेकेंड थिंग ये ब्रोंज कलर की स्विफ्ट से बच के रहना पड़ेगा इसका कुछ खराब चल रहा है मेरे साथ पीछे पड़ी हुई है आके ठोकने के लिए पता नहीं क्यों तो आपकी जो 16 वाले वो 20,000 वाली सर्विस होगी ना ऐसे करते हैं डैश कैम का बहुत कम है 1-2 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि फुटेजेस आर वेरी क्लियर डे लाइट में तो होंगी आगे 2-3 गाड़ियों की भी ये नंबर प्लेट ठीक ठाक रीड कर ले रहा है अब जो मेन इसका टेस्ट होगा वो रात को ही होगा अंधेरे में लो लाइट में देखते हैं उसका क्या रहता है उसकी भी मैं क्लिप्स डालूंगा इसकी भी मैं क्लिप्स डाल दूंगा अभी क्या क्लिप्स चल रही है इस पर साइड में अटैच कर दूंगा और रात की भी डालता हूँ तो अगर आप भी सोच रहे हो नेक्स्ट डिजिट्रॉन का A2 लेने के लिए तो इट कैन हेल्प यू जज कि आपको वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए डैश कैम है ये हटता नहीं है ठीक है हाँ तो ये देख लेना बाकी दूसरा हटा लिया हमने वो आएगा टेक्नीशियन मैं बता दूंगा यहाँ पे पहुँच तो चुके अभी टेक्नीशियन असाइन होगा देखते हैं क्या सीन है इसी स्पीड पे रखो अब आवाज़ वो स्पीड जब कम होगी तो ऐसा धूम सी आवाज़ आ रही है और वाइब्रेशन तो आती रहेगी सुबह किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली उसमें नहीं हो रहा है ये 1,000 किलोमीटर से क्यों हो रहा है अब मुझे इसका भी तो दो ना पहले हो रहा होगा ये तुम्हें तुम्हें दूसरी गाड़ी में चेक करवा देता हूँ करवा दो हर एक स्पीड पे आता ना स्पीड आनी चाहिए टायर का क्या होता है सर जैसे स्पीड कम होती है जैसे जैसे स्पीड बढ़ जाता है उसका गैप कम होता जाता है स्पीड में रोड को जितना स्लो चलेगा वो रोड को पकड़ के चलता है नहीं वो आपकी बात जैसे स्पीड जाके ना सीधा जाता है इसलिए आवाज कम होती जाती है नहीं नहीं वो चलो ठीक है अब इस स्पीड पे 20 की स्पीड होना चाहिए फिर 20 की स्पीड में हो रहा है कहाँ हो रहा है अब 40 से आइए वो आपको पूरा एक घन घन आवाज आएगी उसके बाद तो आई नहीं कोई आवाज नहीं आती उसमें इंजन साउंड ऊपर जाते अगर बेयरिंग का होगा कुछ कौन सी इंजन ऊपर जाते वो होना चाहिए ना ये नॉर्मल है ये रोड की आवाज है टायर की आवाज है मतलब पैथेटिक है ऑयल लीक है क्या यहाँ पे नहीं नहीं
अब नहीं आ रही, अब बिल्कुल भी नहीं आ रही। देखिए आप खुद देखिए, मैंने तो सिर्फ अलाइनमेंट चेक करवाया। मैंने क्या बोला था आपको? नहीं, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा। सर देखो, पहली बार ये केस आएगा जो अलाइनमेंट से, मतलब मैंने अलाइनमेंट चेक कराया, अलाइनमेंट वाले ने अलाइनमेंट खुद चला के देखो। मतलब आपको नहीं, अगर सर आप तसल्ली आपकी है, देखो मैं नहीं, आप बोल रहे थे वो टायर की, मैं बोले टायर हो ही सकते ऐसे। ये देखो बिल्कुल नहीं आ, जो घन 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 जो है कुछ नहीं आ रही। मैंने सिर्फ ऊपर जाके एक आपके आरएम के जो बोल्ट टाइट करवाए हैं, बाकी बेयरिंग आपके सामने चेक करे हैं, साफड़ का क्रॉस चेक करवाया। सो कमिंग नाउ टू महिंद्रा सर्विस, आई वुड रेट इट 0। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज 0, मतलब टेक्नीशियंस को यही नहीं पता कि कस्टमर कुछ बोल रहा है, तो उसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो सीधा डिनाइल पे चले जाओ कि ये नॉर्म है, ऐसा गाड़ी में आवाज़ आती है, गाड़ी ऐसे ही चलती है। बट लड़ना पड़ा, बोलना पड़ा कि नहीं भाई गड़बड़ है, उसने चढ़ाई है। मुझे पता था अलाइनमेंट का ही कुछ इशू है, थार में हमेशा अलाइनमेंट का कुछ ना कुछ रहता ही है, आगे से चलता। बिग 0 टू महिंद्रा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब लिटरली मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मेरे तो दिमाग में आ गया था कि भाई इसे बेच दूंगा, मैं नहीं रखूंगा इसे, क्योंकि यार आपने प्रोडक्ट अच्छा बना दिया, नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन यार प्रोडक्ट की कुछ आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं है तो फिर क्या करेगा यार वो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट इज योर आफ्टर सेल सर्विस, और मेजरली गाड़ियों में, मतलब आपने गाड़ी बना दी, अच्छी बना दी, बेच दी, चलो ठीक है बिक रही है, उसके बाद आपकी कोई आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं है यार, मतलब पैथेटिक। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम महिंद्रा की सर्विस, मतलब इट्स बीन 1.5 ईयर, और मैं पता नहीं कितनी बार आ चुका हूँ इस सर्विस सेंटर में, और सिर्फ इसके साथ नहीं है, आई बीन फॉलोइंग फोरम्स, ब्लॉग्स एंड ग्रुप्स, सब परेशान है यार महिंद्रा की सर्विस से। एंड ये मतलब वो मुझे पूछ रहा है कि आप बताओ क्या दिक्कत है भाई, मतलब डॉक्टर के पास जाके मैं बता रहा हूँ डॉक्टर को, डॉक्टर मुझे ना ये हो गया है, तो भाई डॉक्टर के पास जाने का मतलब क्या, मैं खुद ही कर लूंगा। और हुआ भी वही, मैंने बोला कि भाई अलाइनमेंट पे चढ़ा इसे, और कुछ नहीं किया उसने, अलाइनमेंट ठीक किया, पता नहीं ठीक तो थी, और क्या होता है इसमें आई डोंट नो, मतलब किसी को अगर पता हो, और कोई भी अगर ऐसे जूझ रहा है ये महिंद्रा की सर्विस से, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और कोई भी अगर महिंद्रा की गाड़ी लेने का सोच रहा है आपके फ्रेंड्स में या फिर आपके सर्कल में, तो ये वीडियो जरूर शेयर करो, उन्हें ये पता होना चाहिए, मतलब बिफोर यू बाय एनी कार आपको उसका आफ्टर सेल सर्विस का पता होना चाहिए कि वो कैसा है। महिंद्रा इज अ बिग 0, बिग 0 इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब बंदा लड़ रहा है मेरे से कि नहीं ये गाड़ी ऐसी चलती है, गाड़ी खराब है तो खराब ही ठीक है, सेंसलेस यार, सेंसलेस। बट ठीक है, अब हो गई है, इट्स परफेक्ट नाउ, और मुझे पता था ये हो ही जाएगी, अलाइनमेंट वाला कुछ इशू था, मेरा मेजरली एक कंसर्न था कि ट्रांसमिशन में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमिंग साउंड ट्रांसमिशन से भी आ सकती है, बट हो भी तो इनको घंटा पता ही नहीं चलेगा, ये बोलेंगे हाँ ऐसी चलती है, मतलब ऐसा हाल है बताओ यार। बट चलो, ऑन एंड ऑल गाड़ी ठीक हो गई है, गाड़ी इज नाउ परफेक्ट अगेन, अभी 1,500 किलोमीटर के लिए ठीक है, उसके बाद सर्विस ठीक हुआ इसकी, और बस अब चलते हैं। बट हाँ, इन्होंने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया, दिमाग एनर्जी फ्रस्ट्रेशन सब दे दिया, उसके बाद पैसा नहीं लिया, चलो कोई नहीं। ये आई वुड वॉन्ट टू कोट दिस थिंग कि इन्होंने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया, जॉब कार्ड भी नहीं खोला था, इन्होंने सीधा अंदर क्या बोलते हैं उसको, गुंजन हॉइस्ट क्या होता है वही जो जहाँ पर गाड़ी रखती है, हाँ मतलब थोड़ा सा नॉर्मल टर्म बताते हैं ना लोगों को समझ में, हॉइस्ट तो मुझे ही नहीं पता, उन्होंने लिफ्ट पे चढ़ाई गाड़ी, और जो भी अलाइनमेंट और बेयरिंग्स वगैरह चेक करने थे वो किए, फिक्स किए, आर्म्स फिक्स किए, नाउ इट्स गुड टू गो, दैट्स थार फॉर यू। ऐसी है, मतलब किसी ने सही बोला था कि थार यहाँ से नहीं, थार यहाँ से खरीदी जाती है, सेम जो पुरानी बुलेट के लिए बोलते थे, वो दिमाग से नहीं दिल से खरीदी जाती है, बट दिल से खरीदने के चक्कर में दिमाग खराब हो जाता है। फिर से आ गए हम नेक्सा, ये हर वीकेंड पे गुंजन मुझे नेक्सा लेके आ जाता है, बलिनो देखने, खैर मुझे भी आना ही था, वाई टू ब्लेम हिम, देखते हैं, मुझे पता है उसका सीन क्या चल रहा है वैसे, बट कोई नहीं, देखने में क्या जाता है। ओ देखो कोई मस्त आराम फरमा रहा है, चलो चलते हो। आके एक टास्क होता है अपनी गाड़ी ढूंढना, भला हर बार इधर इधर, यही तो है, हाँ यही तो है, इंजन में क्या कर रहे हैं लोग, अच्छा ये फेंडर वगैरह लगा रहे हैं। ओ ओ ओ ओ, व्हाट अ सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, नाइस 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 नाइस,
अरे यार अंदर हालत देखो, कबाड़ हो रखी है पूरी। गुड जॉब यार। हाँ ऐसा लग रहा है, पता नहीं कौन सी गाड़ी रिस्टोर कर रहे हैं हम। नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड। चलो कोई तो कुछ तो प्रोग्रेस है। ये अपना पुराना गेट है शायद, मतलब डोर। भाई ये कौन साफ करेगा, ये डीप क्लीन करानी पड़ेगी यार पूरी। हालत देख रहे हो, बट कोई नहीं गाड़ी बन गई। नाइस nice. कुछ तो अच्छा हुआ नेक्स्ट आके इतने दिनों बाद। हर बार आके टूटी हुई गाड़ी देख रहे थे, बट क्वाइट अ प्रोग्रेस। आई एम हैप्पी, एटलीस्ट कुछ तो प्रोडक्टिव हो रहा है। प्रोडक्टिव खैर हो ही गया, मतलब थार का भी काम हो गया, बलिनों का भी हो गया, अब दो चार दिन में दे देगा, बात हो गई है उससे। दे दे, ये बहुत धूप है, बड़ी गर्मी है। तो चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आगे का दिन नेक्स्ट ब्लॉग में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब रिकॉर्ड तो भी करूँगा और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगा। सो हाँ इसी रुको, बहुत गर्मी है, नहा के निकला था। बैक टू स्क्वायर वन। सो don't forget to share this video with everyone in your circle who is planning to go for a Mahindra. अगर वो Mahindra ले रहा है तो उससे पहले उसको ये वीडियो दिखा दो। आपके पास लाइव प्रूफ है कि कैसे आपके एडवाइजर्स या फिर जो टेस्ट ड्राइव वाले होते हैं, TSI, पता नहीं क्या बोलते हैं, TSI Volkswagen TSI, जो भी होते हैं वो टेस्ट ड्राइव एडवाइजर इंस्पेक्टर जो भी है, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं एंड क्या कस्टमर एक्सपीरियंस है। मतलब लिटरली अभी का ना मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, वहां पे गाड़ी में दिक्कत है, उसके सामने है, वो दिख रही है, मैं उसे वो बोल रहा हूँ, वो उसको मतलब डिनाई कर रहा है, वो पूरा डिनाइल में है। यहाँ पे गाड़ी बन रही है अभी, मतलब मैंने अभी दिखाया है बलिनों को, मतलब फिर से वो दैट इज नाउ ऑलमोस्ट डन, 80% डन। उसमें मुझे कुछ दिक्कतें दिखी जो मैंने उसको बताई और उसने हैंड टू हैंड बोला कि सर मैं आपको ये फिक्स करके दूंगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। पता नहीं क्या होगा, खैर हाँ। सो इट इज व्हाट इट इज, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा किया तो अच्छा लगना ही पड़ेगा, प्लीज गिव इट अ थम्स अप। एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, एम आई गोइंग टू सिट शट विद द Mahindra एक्सपीरियंस? ऑफ कोर्स नॉट, आई विल एस्केलेट इट टू द Mahindra सर्विस सेंटर, कस्टमर सेंटर, कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर, और देखते हैं क्या होता है, उसकी प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। स्टे विद द जर्नी, आपको ही बताएंगे क्या हो रहा है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं इस पर, वॉट इज देयर कम बैक ऑन दिस। एंड हाँ आपको ये भी दिखाना है कि ये इस डैश कैम का रात वाला एक्सपीरियंस, नाइट मोड एक्सपीरियंस कैसा है, तो भी मैं इसमें पैच नहीं कर दूंगा। तो कुछ ऐसी है इस डैश कैम की रात की परफॉर्मेंस, और मैं अभी इस डैश कैम से ही वॉइस रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। आई थिंक वॉइस डिसेंट आनी चाहिए, क्योंकि मैं दिन की रिकॉर्डिंग्स देख रहा था तो उसमें वॉइस तो डिसेंट थी। एंड क्या इसको ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? अपेरेंटली नॉट, क्योंकि कैमरा क्वालिटी इतनी सुपीरियर नहीं है कि ब्लॉगिंग के लिए यूज़ हो पाए, बट या टू गेट द जॉब डन फॉर अ डैश कैम आई थिंक इट इज़ वेल अंडर द लिमिट्स, और ठीक है, सही परफॉर्म कर रहा है ये। एंड क्योंकि इस प्राइस रेंज में इट इज वर्थ समवेयर अराउंड 4500, 4500 का है ये, और इस प्राइस रेंज में एक ये आता है नेक्स्ट डिजिट्रॉन का Ace 2, और साथ में आता है अपना 70 mAh का MAI का M300 विथ सम पता नहीं कौन सा एक तो सेंसर के साथ आता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, स्टारविस 2 सेंसर के साथ आता है 70 mAh, वो 5000 तक रेंज करता है। साथ में और भी क्यूबो है, या फिर आप बोल सकते हैं डिंग पाई, डीडी पाई, पता नहीं कौन सा है, बट ठीक है, ये दोनों के रिव्यूज मुझे सही लगे थे तो एक तो इसका ले लिया, एंड आई थिंक वी कैन कीप दिस, डिसेंट है।
बस मिलते हैं कल। डैश कैम का व्लॉग आज यहीं तक रखते हैं। अगेन सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। चीयर्स।